आज हम बनाने जा हमारी प्यूरी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इस समय हम इसमें एक टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। फिर हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसका मसाला बनाने के लिए लेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। फिर इन सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी प्यूरी में बहुत अच्छा कलर आएगा। फिर हम इसमें से थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसालों को एडजस्ट करने के लिए। फिर हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे के लिए, या फिर इसका मसाला अच्छे से भुन जाए तब तक। अब हम लेड हटाकर देखें।